दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एमबीए किचन वाली में और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब मजे में होंगे। तो आज हम तैयार हैं एक न्यू रेसिपी के साथ और इसे देखते ही आप तुरंत पहचान गए होंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो छोले भटूरे तो सभी के बहुत फेवरेट होते हैं, मेरे तो बहुत ज्यादा है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इसे बनाया जाए। तो सबसे पहले छोले के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है प्याज, 2 मीडियम प्याज लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, छोला मसाला ले लिया हमने यहाँ पे। तो छोले मसाले आपको 3 स्पून लेने हैं। फिर हमें लेना है यहाँ पे गरम मसाला, तो गरम मसाला पाउडर हमें आधा चम्मच ही लेना है। फिर हमें 3 चम्मच धनिया पाउडर लेना है, रेड चिल्ली पाउडर 1 स्पून और नमक 1 स्पून। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हमें इन सारी चीजों को यूज करना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक पैन और उसमें हमने डाल दिया है 3 स्पून ऑयल। तो 3 स्पून ऑयल डालकर आपको इसे अच्छे से गरम करना है। गरम करने के बाद आपको इसमें डालना है प्याज। तो जो छोले थे उसको हमने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था और हमने उसको बॉईल करके अलग कर लिया है। और ये देखिए, हमें इसमें डाले हैं खड़े मसाले। तो हमने तेज पत्ता ले लिया है, जायफल ले लिया है, बड़ी इलायची ले लिया, छोटी इलायची ले लिया, 5 से 6 काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा, और लेना है हमें दालचीनी। इन सारी चीजों को हमें जैसे ही तेल गर्म होगा वैसे ही डाल देना है। याद रखिएगा, इसे हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। जैसे ये हल्के से उसमें फ्राई होना स्टार्ट कर दे, आपको इसमें डाल देना है प्याज जो हमने काट कर रखी हुई थी। और जैसे कि हमने बताया, छोला हमने बॉईल कर लिया था, तो छोले को आपको अच्छे से बॉईल करना है। इतना करना है कि वो छोला जब आप उसे दबाएं तो वो छोले गले से लगे आपको। तो हमने उसको अलग से कर लिया है और यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है। देखिए, आपकी प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन हो जाए तभी आपको इसमें अपने छोले डालने हैं। तो अभी ये प्याज जो है ये थोड़े से टाइम लेगी फ्राई होने में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। याद रखिएगा, गैस का फ्लेम हमें हाई पे ही रखना है। जैसे ही हमें लो पे करना होगा वो हम आपको बता देंगे। लेकिन जैसे आपने तेल लाल किया है और गर्म होता है तेल, तो उसमें आपको गैस का फ्लेम हाई रखकर ही प्याज को डालनी है। देखिए, हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इसमें आपको डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो देखिए, हम अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डाल दिए हैं। डालने के बाद हमें इसे चलाना है और जैसे ये इसमें मिक्स हो जाए उसके बाद हमें इसमें अपने सारे मसाले डाल देने हैं जो हमने निकाल कर रखे हुए थे। तो अदरक लहसुन जले ना, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ज्यादा जल ना जाए। जैसे ये थोड़ा थोड़ा देखिए हो रहा है, हमने सारे मसाले डालना स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले हमने डाला है इसमें सॉल्ट, फिर धनिया पाउडर, उसके बाद इसे हमें डालना है मिर्च पाउडर, देन हमें डालना है छोले मसाले। आप बाजार का कोई भी छोला मसाला लेकर डाल सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो। तो हमने यहाँ पे वो डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, क्योंकि बाजार वाले में ऑलरेडी थोड़ा मसाले होते हैं, इसलिए गरम मसाला हमें थोड़ा ही क्वांटिटी में डालना है। अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो वो बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अब हमने इसमें पानी डाला और इसको हमने ढक कर रख दिया है। और ढकने के बाद हमें इस पे फ्लेम को थोड़ा सा हाई करने के बाद 5 मिनट के लिए स्लो कर देना है। ये देखिए, इधर हमारा छोला का मसाला जो है वो तैयार हो रहा है, भुन रहा है, और हम आपको उधर भटूरा बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो मसाला आप देख सकते हैं, ये अच्छे से भुन गया है और इससे हमें बीच बीच में स्टिर करते रहना है। आप चलाते रहिए ताकि मसाला जो है वो नीचे नीचे जले नहीं। और इसकी जो प्याज है वो भी देख सकते हैं आप, अच्छे से उसमें मिक्स हो गई है। तो हमने जो छोले बॉईल करके रखे हुए थे, अब उसको इसमें डालने का टाइम आ गया है। तो छोले के जो पानी होता है बॉईल के टाइम, आप उस पानी को यूज कर सकते हैं।
समटाइम्स हम डाल देते हैं, समटाइम्स आई स्किप। तो हमने आज सिर्फ छोला ही डाला है, पानी नहीं डाला उसका। तो देखिए हमने इसमें छोले डाल दिए हैं और मसाले में उसको मिक्स कर दिए हैं। अब जैसे ही इसको आपको 5 मिनट के लिए मिक्स करना है, और जब ये मिक्स हो जाए तो आपको इसमें डालना है पानी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कितना पानी आप डालेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले 1 कटोरी पानी डाला। पानी हम लोग क्वांटिटी इसमें ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि जो छोले होते हैं वो मसाले अब्जॉर्ब करते हैं। तो हम पानी डालकर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे जो मसाले हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो इसका पानी है वो भी सोख हो जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पे दूसरा कटोरा पानी डाल दिया। तो लगभग हमने यहाँ पे 3 कटोरा पानी डाला था। आपको 3 बोल पानी का यूज करना है, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, अदरवाइज आप ज्यादा डाल देंगे तो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। देखिए हमने इसको डालकर ढक दिया है। अब आपको गैस का फ्लेम हाई रखना है। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए आपको गैस का फ्लेम स्लो करना है, ठीक है। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये रेडी तो हो गया है, लेकिन जो पानी है वो अभी छोले से अलग है। आप देख सकते हैं छोला अलग दिख रहा है और पानी उसका अलग दिख रहा है। अभी ग्रेवी पूरी तरीके से बन के रेडी नहीं हुई है। तो हमने यहाँ पे कर दिया है गैस का फ्लेम स्लो और हमने इसको ढककर रख दिया है। और याद रखिएगा, ढक के रखने के बाद आपको बीच बीच में इसे चलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इसे छोड़ दें, वो जलने लगेगा। तो आप इसे धीरे धीरे चलाते रहिएगा। तो हमने लगभग इसको रखा था गैस पे आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद इसका जो पानी था वो अब्जॉर्ब हो गया था और वो अच्छे से ग्रेवी बन गई थी। आप थोड़ा थोड़ा जो छोले हैं बीच बीच में दबा सकते हैं। अगर आपकी ग्रेवी बहुत पतली हो गई है तो आप छोले को थोड़ा सा दबा के कर देंगे, तोड़ देंगे, तो छोला जो है वो उसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखिए छोला बन गया है। अब हम भटूरा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 किलो मैदा और आधा बोल सूजी, ठीक है। सूजी इसमें मस्त है, सूजी से बहुत क्रिस्पी होता है ये। 1 कटोरा दही ले लिया है। दही आप इसमें पतली भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इन दोनों चीजों की मदद से हमें भटूरा बनाना है। तो सूजी को हम मैदे में डाल देंगे। डालने के बाद पहले इसे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हम इसे डायरेक्टली दही से सानना स्टार्ट कर देंगे। जो आपका डोफ बनेगा वो सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। इसे हार्ड नहीं करना है, अदरवाइज वो हार्ड हो जाएगा। अगर आपका डोफ सॉफ्ट रहेगा तो आपका जो भटूरा बनेगा वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जब भी खाते जैसे लगता है कि हम लोग बाजार में खा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सानना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे हमने दही को डाला और मिक्स किया है। तो आप भी ऐसे ही दही डाल के मिक्स करेंगे। और याद रखिएगा, जब भी आप इसे बनाएं तो तुरंत आपको डोव का यूज नहीं करना है। डोव को आपको एटलीस्ट 2 आवर के लिए सेट करने के लिए रखना है, तभी वो क्रिस्पी और बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपने तुरंत इसे साना और तुरंत आप बनाना स्टार्ट कर देंगे तो उसका जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट नहीं होता है। इसलिए हो सकता है बहुत से लोगों का जो भटूरा बनता है वो इतना क्रिस्पी सा, सॉफ्ट सा नहीं हो पाता है। देखिए हमने इसको सानना स्टार्ट कर दिया है, और पानी की ज़रूरत भी इसमें रहती है। ये नहीं कि सिर्फ दही से ही सन जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरा पानी। इस 1 कटोरे से आपका जो डोव है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने पहले इसमें थोड़ा सा डाला, क्योंकि हमारे दही में भी पानी की क्वांटिटी थी, जिस वजह से वो अच्छे से बन पा रहा था लड्डू की तरह। तो देखिए अब हम इसमें क्या कर रहे हैं। देखिए हमने इसमें पानी डाला और फिर से हमने इसको सानना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे सारा पानी इसमें डाल के इसको अच्छे से सान लेना है। तो ये आपका प्रोसेस हो रहा है, देखिए वो कंप्लीट हो रहा है। और जो बचा हुआ पानी था वो भी हमने इसमें डाल दिया है, और हमारा डोव जो है वो बन के रेडी हो गया है। आपको इसे हाथों से सानना है, ठीक। तो जैसे ही आपका हो जाएगा आपको इसको रख देना है। अगर आप चाहें तो इसको एक गीले कपड़े से ढक कर रख सकते हैं, या फिर आप इसे किसी बर्तन से ढक के रख दीजिए 2 घंटे के लिए। देखिए हमारा जो डोव है वो बन गया है।
अब हमने इसको 2 घंटे के बाद उठाया है और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हो गया है। तो हमने इसमें थोड़ी सी बॉल्स इसको निकाला है और छोटी छोटी बॉल्स बनाकर आपको इसको बेलना स्टार्ट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ बॉल्स बनाई है, ऐसे आपको सारी बॉल्स बना लेना है। ये देखिए हमने इसको प्रेस कर दिया है और हमने इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो इसे आटा लगा के सान सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें घी भी लगाकर या ऑयल लगाकर आप सान वो कर लीजिए, बेल लीजिए, लेकिन हमने यहाँ पे इसमें आटा ही लगाया है। तो देखिए हमें इसे गोल गोल बनानी है, अगर आप चाहें तो इसे बड़ी भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे मीडियम साइज में रख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे मीडियम ही साइज में रखते हैं ताकि ये बहुत फूली फूली आए और क्रिस्पी रहे। देखिए हमारी जो भटूरा है वो बन के हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो वहां पे हमने तेल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया है, वो गरम हो रहा है, जब तक आप एक और भटूरा देख लीजिए कि इसे कैसे हमें बेलना है। देखिए ऐसे हमें करके इसको गोल गोल राइट साइड प्रेस करके हमें बेलना है ताकि वो अपना शेप ले ले। आप देख सकते हैं ये आराम से बेल रही है, ये चिपक भी नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारा जो डो है वो एकदम परफेक्ट है बनाने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे एक और भटूरा को बना लिया है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखिए ये एकदम मीडियम शेप में है और एकदम बढ़िया। अब हमारा तेल जो है वो एकदम प्रॉपरली गर्म है, उसे आपको हाई फ्लेम पे डालकर हाई फ्लेम पे ही रखना है। और ये देखिए हमने साइड साइड से भटूरों को प्रेस किया और वो फूल रही है। ये देखिए एकदम बाजार जैसी फूली फूली भटूरे आपके यहाँ पे रेडी हो गए हैं। और जब भी आप किसी के सामने रखेंगे तो लोग जरूर पूछेंगे कि आपके भटूरे इतने अच्छे कैसे बने हैं। ठीक, तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी जो रेसिपीज है वो दूसरे लोग भी देख सके। ये देखिए हमारा जो भटूरा है वो बनके तैयार हो गया है। तो ऐसे ही आप सारे भटूरे को बेल लीजिए और बेलने के लिए जो अच्छे से उसे फ्राई कर लीजिए। याद रखिएगा जो तेल होता है वो मीडियम में ही गर्म होता है, तो इसलिए आपको जितने भी भटूरे हैं वो सेंटर में ही रखने हैं, आपको उसको साइड में नहीं लेके जाना है। अगर आप साइड में लेकर जाएंगे तो आपके भटूरे बहुत प्रॉपरली नहीं फूल पाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश ये करिएगा कि जो भटूरे हैं उसको एकदम मीडियम में रखिए और साइड साइड से आपको दबाना स्टाइट दबाना है। आपको बीच से भटूरे को प्रेस नहीं करना है, अगर वो बीच से दब जाएगा तो वो फूलेगा नहीं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं और आप जब इसे खाएंगे ये फूले फूले भटूरे बहुत देखने में अच्छे लगते हैं और उतना इसको खाने में भी मजा आता है, वो क्रिस्पी रहता है। ठीक है, और ये होता है इस वजह से कि सूजी इसमें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है सूजी। सूजी सब लोग नहीं डालते हैं इसलिए वो लोग इतना सॉफ्ट और क्रिस्पी नहीं बना पाते हैं। तो आप हमारे स्टाइल से भटूरे बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे और आपके भटूरे बने कि नहीं बने। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे, अगर नहीं बन पाते हैं तो हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे सही करना है। लेकिन जो हमने यहाँ पे टिप्स आपको दी है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भटूरे एकदम परफेक्टली उतरेंगे और आप जब इसे किसी के सामने सर्व करेंगे तो ये आपको यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए हमारे फूले फूले भटूरे बन के तैयार हो गए हैं और हमने इसमें रखा है प्याज और चटनी। तो आप इसे बनाइए, खुद ट्राई करिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।